अब मैं जो थोड़ी सी बिरयानी बची हुई थी वही खा रही हूँ। और जब उस दिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, आज मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, शायद भूख लगी हुई है इस वजह से। अभी मैं तैयार हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, थोड़े से काम है मुझे, वो करके आऊँगी। खाना क्योंकि मैंने कल बनाया था तो अभी तक है, वो आज चल जाएगा। शायद वापसी में कुछ लेती हूँ, खाना वाना लेती हूँ। बेटी को स्कूल से भी लाना है, उस टाइम थोड़े बहुत काम है, वो करके आती हूँ। और मैंने कुछ रमज़ान के हवाले से ना कुछ चीज़ें मंगवाई थी, बर्तन वगैरह, तो वो मे भी आज मुझे पार्सल मिल जाएगी। मुझे कॉल तो आई है कि आपका पार्सल जो है वो डिलीवर करने लगे हम, तो मे भी वही पार्सल हो। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने रमज़ान के लिए क्या क्या बर्तन मंगवाए हैं। आ जाओ भाई, चलो 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 चलो। ऐसे काम थे जिसकी वजह से काफ़ी थकन हो गई, तो मैंने कहा भाई मैं तो बैठी हूँ, कुछ खाते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे। सारे थके हुए हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये खाना कौन खाएगा, सबको भूख लगी हुई है। और मैंने तो स्पेशली अपने लिए ना ये मंगवाए थे राइस एंड स्पाइस, मुझे इनके बड़े अच्छे लगते हैं KFC के ना। और आजकल पता नहीं क्यों मेरा KFC इतना मुझे पसंद आ रहा है, इसके बर्गर और इसके चिकन पीस और ये राइस एंड स्पाइस, मुझे KFC बहुत ही अच्छा लग रहा है। बल्कि KFC का नाम सुनते ही मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। मुझे बस वो होता है ना कि कभी कभी आपको कोई चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो बहरहाल जी, यहाँ पर हम लोग सारे खाना खा रहे हैं। रोज़े का मतलब रोज़ों के लिए मैंने नए बर्तन मंगवाए हैं। वैसे मेरे घर में जगह तो बाकी नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि शौक नहीं खत्म होता। ये लो कट करो, कट किता कर काट चीज़ी। और यहाँ पे जी मैं अपना सामान खोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर से आया है, तो बहुत ही अच्छी पैकिंग की हुई थी। कोई भी चीज़ मेरी टूटी नहीं है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा कोई डबल ट्रिपल कोई पैकिंग हुई थी। और मैं खोलते 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 मुझे इतना टाइम हो गया। स्पेशल बर्तन जो कि मैंने स्पेशली रमज़ान अल मुबारक के लिए मंगवाए हैं, तो सर्विंग प्लेट थोड़े ज़्यादा हैं। एक तो मुझे ये है कि प्लेट्स मुझे मंगवानी थी, पहले तो वाइट प्लेट मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने ना ये स्क्वायर वाली मंगवाई हैं। ये यहाँ पे ये गोल्ड प्लेटेड है, हल्का सा गोल्डन टच है, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। आपको पता है मुझे गोल्डन गोल्डन चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इसके साथ में मैंने ये सर्विंग स्पून भी मंगवाए हैं, ये देखिए इस तरह वाले, ये पुलाव वगैरह के लिए हैं। या साथ में ये फोक्स मैंने मंगवाए हैं, गोल्डन फोक्स भी हैं, और ये टेबल स्पून भी हैं गोल्डन, और डिज़र्ट वाले भी हैं। डिज़र्ट वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं, ये देखें ये डेजर्ट वाले हैं, बड़े क्यूट हैं, देखो सोनिया डेजर्ट वाले, वाह कितने प्यारे हैं।
हाँ बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हैं, बहुत प्यारे हैं। ये इसमें डाल देते हैं। और ये है जी छोटी सी ट्रॉली, ठीक है, ये है छोटी सी ट्रॉली, ये बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और इसके साथ ये है उठाने का, अच्छा ये भी एक प्लेटर है बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन, और ये कोई पीआर नहीं है, ठीक है, ये मैंने खुद सारी चीज़ें मंगवाई हैं, खुद सब कुछ मैंने बाय किया है, लेकिन क्योंकि मैं एक ही जगह से लेती हूँ, आपको पता है पिशावर से कारखानों मार्केट में जो हैं शारजा क्रॉकरी वाले, तो वही चीज़ें मुझे भेजते हैं, प्राइस बड़े रीज़नेबल होते हैं और क्वालिटी भी कमाल की होती है, और इन केस के अगर कोई चीज़ डैमेज भी है तो फिर वो एक्सचेंज भी कर देते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा मुझे प्लेटर मिला है, और ये जो पहले मेरे पास गोल वाला थाल है ना, उसके साथ ही ये बिल्कुल मैच हो रहा है। और ये हैं जी रायते और इसके लिए चटनी वगैरह के लिए, और ये इसके साथ ही कौड़ियाँ हैं, तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी हैं चीज़ें। अब आप कहेंगे कि आप इतना ख़र्चा करती हैं तो फिर शो ऑफ करती हैं, लेकिन शो ऑफ की बात नहीं होती, शौक की बात होती है। किसी को कपड़ों का शौक़ होता है, किसी को ज्वेलरी का शौक़ होता है, मुझे बर्तनों का शौक़ है, और वैसे भी मैं रमज़ान और मुबारक जब आते हैं खैर से, तो मैं नई चीज़ें ज़रूर बाय करती हूँ, लाजमी करती हूँ, क्योंकि वो फिर ऐसी एक चीज़ होती है कि मुझे लगता है कि नई चीज़ें लेनी चाहिए, फिर मज़ा भी आता है, और ज़ाहिर है वीडियोस भी हैं तो उसको चार चांद लगाने के लिए तो ये बर्तन चाहिए होते हैं, तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं ये, स्पेशली बड़ा प्यारा ये वाला। आई होप आपको पसंद आई होंगी। ये है जी नेक्स्ट डे, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मंगवाई थी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी में मैंने टमाटर मंगवाए थे 2 किलो, टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेमन मंगवा लिए थे, और लेमन आजकल थोड़े से सस्ते हैं, आगे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो मैं सोची हूँ कि इनको भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना इनको भी फ्रीज़ कर ही लूँ, और ज़ाहिर है लेमन जूस बना के इसका मैं रखूँगी। और यहाँ पे मैंने मंगवाई थी स्ट्रॉबेरीज़, और स्ट्रॉबेरीज़ इतनी ज़्यादा गली हुई थी, और ये स्ट्रॉबेरीज़ वाले पता क्या करते रेडियो वाले कि ये पहले पहले ना गली दिखाते अच्छी हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन जब देने की बारी आती है तो फिर वो गली उड़ाल देते हैं और पैसे तो पूरे ले लेते हैं। बस तभी तो इस मुल्क पे इतनी मुसीबतें नहीं आई हुई ना, कि बेईमानी और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि बस अल्लाह की पनाह है। बहरहाल यहाँ पे मैंने इनको साफ़ करके रख लिया था फ्रिज के अंदर, और मैं अभी बना रही हूँ जी गोभी गोश्त, जिसके लिए मैंने मटन निकाल के पहले रखा हुआ था, और मैं ना मटन हमेशा वॉश करके फिर उसके पैकेट्स बना के रखती हूँ कि बस निकाला और फ़ौरन ही उसको कुक कर लिया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और यहाँ पे दूध भी बॉयल हो रहा है क्योंकि ये सुबह का टाइम है, मतलब काम का टाइम है। और खैर से रमज़ान जो हैं वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं, सिर्फ 19-20 दिन रह गए हैं, और ये दिन तैयारियों के हैं, तैयारियों में ही निकल जाते हैं। स्पेशली खाना भले आप बना के रखें ना रखें, मतलब जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, लेकिन यह कि सफाइयाँ वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक दिल की तसल्ली होती है और आपको अच्छा भी लगता है, और यही जो तैयारियाँ होती हैं इसी में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वरना यह कि रमज़ान तो फिर रोज़े में या इबादत में ही गुजर रहे होते हैं, अफ्तारी की तैयारी है तो फिर सहरी की तैयारी है, तो अभी टाइम है कि प्रॉपर एक सफाई कर ली जाए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपना जो व्लॉग है वो इसी हवाले से शेयर करूँगी, प्रॉपर डीप क्लीनिंग वगैरह, वॉशरूम की डीप क्लीनिंग, ये सारा मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, और बस आप भी तैयारियाँ पकड़ लें और झाड़ू वाड़ू उठा लें और बस शुरू हो जाए। अच्छा मेरे पास ना एक केक मिक्स रखा हुआ था कोकोनट केक, तो उसकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल करीब थी, मैंने कहा ये वेस्ट हो जाएगा तो आज मैं उसी को ही बना लेती हूँ, वरना केक का ऐसा कोई मेरा मूड नहीं था बनाने का, लेकिन मैंने कहा मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ कि इसमें मैं ऑरेंज वाला जो है वो ज़रा टच डालती हूँ। तो मैंने इसके ना इस तरह स्लाइसिस काट लिए ऑरेंज के,
और इसको केक की बेस पे मैंने इस तरह सेट कर लिया। अच्छा, मेरे पास गोल वाला बड़े साइज़ में नहीं था और रेक्टेंगुलर शेप में भी बड़े साइज़ वाला नहीं था, बड़े साइज़ वाला सिर्फ मेरे पास था ये हार्ट शेप में, तो मैंने कहा चलो मैं इसी को ही यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके ऊपर जो मेंशन था इस तरह कि 1 कप पानी और 1/4 कप ऑयल और 2 अंडे, तो मैंने क्या किया कि पानी की जगह ना मैंने 1 कप ऑरेंज जूस कर लिया, 1/3 कप मैंने ऑयल और 2 अंडे ऐड कर दिए थे। बस इसका करना कुछ नहीं होता, मतलब बीटर से इसको नहीं वो करना होता, बस विस्क की मदद से ही ये आराम से हो जाता है। विस्क की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से इसका बैटर सा बना लूँगी और इसको मैं तकरीबन 40-50 मिनट के लिए बेक करूँगी 200 पे, तो ये बड़ा अच्छा सा बेक हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो चीज़ ज़ाया ना हो, क्योंकि केक वगैरह ऐसी चीज़ है कि ज़रा कम ही खाए जाते हैं तो बनते भी कम ही हैं। बस इसको मैं बेक कर लूँगी। और सालन भी मेरा रेडी हो चुका था, गोभी को मैंने भून लिया था। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने निकाला केक और इसके थोड़ी से एजेस मैं लूज़ कर रही हूँ छुरी की मदद से, क्योंकि कुछ जगहों पे ना बटर पेपर नहीं लगा हुआ था, तो मैंने कहा वहाँ से चिपक ना जाए, और बिल्कुल टूट रहा था क्योंकि बस फ्रेशली मैंने इसको निकाला, तो इतना नरम था ना और इतना अच्छा मज़े का टेस्ट था कोकोनट और ऑरेंज के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह ऑरेंज जाने वाले हैं, तो उससे पहले सिंपल वाला जो एक ऑरेंज केक होता है, जो केक मिक्स के बगैर मैदा वगैरह डाल के, उस तरह मैं आपको ज़रूर सिखाऊं। तो इंशाल्लाह आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।